नमस्कार दोस्तों, 50 साल वैसे तो बहुत बड़ा टाइम होता है, लेकिन अगर एक महान देश के इतिहास के बारे में बात करें तो 50 साल लगता है कि जैसे अभी की ही बात हो। एग्जैक्ट 50 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के सामने युद्ध छेड़ा था। 14 दिन चले इस संग्राम में पाकिस्तान को बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। उसका दाहिना हाथ कहा जाता था पूर्व पाकिस्तान को, जो कि हाल बांग्लादेश है, उसे खोना पड़ा था। उस युद्ध में भारत के 2000 जवान शहीद हुए थे और 3500 करोड़ रुपए की आर्थिक नुकसानी भारत को उठानी पड़ी थी। लेकिन उसके सामने भारत ने पाकिस्तान के 60,000 जवानों को ख़त्म कर दिया था और 92,000 पाकिस्तानी जवानों को युद्ध कैदी बनाया था। तो भारतीय सेना की इस शौर्य गाथा को आज 50 साल के बाद फिर से याद करते हैं। हमेशा की तरह इस युद्ध की शुरुआत भी दुश्मनों ने ही की थी। एक्चुअली दिसंबर 1971 में हुए युद्ध की चिंगारी मार्च 1971 में ही जल चुकी थी। दरअसल कृषि और अन्य फसलों की दृष्टि से पूर्व पाकिस्तान ज्यादा समृद्ध होने के बावजूद भी वो बंगाली मुस्लिमों का शोषण करते थे, जिसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बंगाली मुस्लिमों ने विरोध किया था। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर ही आंतरिक संघर्ष चल रहा था। तो पब्लिक का ध्यान कहीं और खींचने के लिए पाकिस्तान ने भारत पे चढ़ाई करने का दुस्साहस किया और इस तरह आज़ाद भारत को तीसरी बार अपने पड़ोसी देश से जंग लड़नी पड़ी। दरअसल दोस्तों, अगस्त से दिसंबर तक का टाइम पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहता है युद्ध के लिए, क्योंकि कच्छ और राजस्थान की बॉर्डर का ज़्यादा एरिया रेगिस्तान का है और अगस्त के बाद पश्चिम से लेकर पूर्व तक तेज़ हवा चलती है और उस हवा के साथ गर्म रेत की सीटियाँ चलती है, जो कि हमारे लश्कर के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करती है। लेकिन सदा तैयार और सुसज्ज रहती भारतीय सेना को पहले से ही अंदेशा था कि पाकिस्तान के याहिया खान जंग छेड़ने की बेवकूफ़ी करेंगे। इसलिए हमारी तीनों सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान ने मार्च से ही छेड़खानी करना शुरू कर दिया था। इस युद्ध के दौरान हमारी तीनों सेना ने बड़ी बहादुरी दिखाई। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो सबसे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 2 अक्टूबर को ही भारत पर हमला किया था। 4 पाकिस्तानी फाइटर प्लेन पश्चिम बंगाल की हवाई सीमा में घुसकर कलकत्ता पर बम फेंकना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो कलकत्ता तक पहुंचे, हमारे पुराने नेट प्लेन्स ने सामने घुस के 3 पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को वहीं पर ध्वस्त कर दिया और 4th को हमारी तोप ने उड़ा दिया। तो इस तरह हमारे एयरफोर्स ने पूर्व और पश्चिम दोनों एरिया में एक के बाद एक हवाई हमले जारी रखे और दोनों ओर से बॉर्डर एरिया पे अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया, और वो भी इतनी हद तक कि पूरे युद्ध के दौरान हमारे एक भी फाइटर प्लेन का सामना करने के लिए पाकिस्तान का एक भी फाइटर प्लेन हवा में ना उड़ सका। बात करें इंडियन आर्मी की, तो हमारी आर्मी ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि पाकिस्तान के 92,000 सैनिक शरण में आ गए। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने अपने यूनिफॉर्म में लगे हुए सारे लश्करी चिन्हों को खुद अपने हाथों से खींच के निकाल लिए और वो भी शरण में आ गए और सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी कर दी। भारतीय सेना ने सरकार की मदद से पूर्व पाकिस्तान के 1 करोड़ निराश्रितों की सेवा भी करी। हमारी नेवी ने भी बड़ी बहादुरी दिखाई। समंदर से हमारे युद्ध जहाज शक्तिशाली तोप से गोलंदाजी करते थे और जिसका परिणाम ये आया कि पाकिस्तानी सेना को अपने सारे इम्पोर्टेंट लश्करी थाने को छोड़कर पीछे हटकरनी पड़ी। हमारी तीनों सेना ने पाकिस्तानी सेना को इस तरह हरा दिया कि मजबूर होकर पाकिस्तान को शरणागत होना पड़ा। दोस्तों, इस युद्ध के दौरान इंडियन नेवी के हमारे जहाज विक्रांत को बचाकर किस तरह पाकिस्तानी गाजी सबमरीन को ध्वस्त किया था, वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। तो देखते रहिए क्रांतिकारी सेना। जय हिंद, जय भारत।